Welcome back to Swarm Education. In this session, we will discuss about the human respiration. Which MCQ we will discuss here? Human respiration. The first question is, in following which is not an organ of respiratory system? इनमें से कौन है जो respiratory system का organ नहीं है? तो लेट्स सी द ऑप्शन वन इज लैरिंक्स, टू इज फेरेंस, ब्रोंकाई, इसोफेगस। तो ये चारों में से कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो फोर्थ वन इज इसोफेगस। इसोफेगस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। और ये जो तीनों है लैरिंक्स, फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन नहीं है जो इसोफेगस नहीं है? हियर द राइट आंसर विल बी इसोफेगस। लेकिन ये क्वेश्चन से हम देखेंगे तो लैरिंक्स एंड फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई कहाँ पर है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सिस्टम से कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नोज है, नोज का जो होल होता है उसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल का बाद वो लीड्स टू द फेरिंक्स। नाजल कैविटी जो है, ये नाजल कैविटी जो आता है ये फेरिंक्स को लीड करता है। ये माउथ है, ये माउथ है, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी जो है वो भी लीड करता है फेरिंक्स। फेरिंक्स से ये एरिया, ये ऐसा पोजीशन है, ये नाजल कैविटी एंड बोथ द ओरल कैविटी एक कॉमन पैसेज है, ये कॉमन पैसेज है। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज बोथ ऑफ दिस कैविटी। ओके, देन वी विल गो फॉर द फेरिंक्स इज लीड्स टू द लैरिंक्स। लैरिंक्स को लीड करता है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आता है। उसके बाद ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है इसको हम ट्रकिया बोलते हैं, ट्रकिया बोलते हैं। ये ट्रकिया जो लेंथ है ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है, जो ये 11 सेंटीमीटर के है, लेकिन इसका जो वाइड है वो 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। ओके, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका कैटलेस प्रेजेंट है, सो दैट जब हम एयर लेते हैं, अंदर जब एयर जाता है सो दैट ये कोलैप्स नहीं होगा, ये पाइप जो है कोलैप्स नहीं हुआ, दैट्स व्हाई द रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, कैटलेस से बना होता है। उसके बाद ये जो ट्रकिया है वो ये अर्थफिप थोरासिक वर्टिब्रा, आपको मालूम है हमारा बॉडी में टोटल वर्टिब्रा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रा से बना होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड वो वर्टिब्रा का अंदर में जाता है और वर्टिब्रा पूरा, ये है हमारा सर्वाइकल एंड देन थोरासिक देन लुम्बर सैक्रा, वो है वो स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो थोरासिक क्या वर्टिब्रा है, यहाँ हमारा चेस्ट का जो वर्टिब्रा है वो थोरासिक वर्टिब्रा है। जो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा जिधर है वही पोर्शन में हमारा जो ट्रकिया है वो दोनों ट्यूब में डिवाइड हो गया। यहाँ एक ट्यूब इधर आया, इधर एक ट्यूब में इधर डिवाइड हो गया, एक ट्यूब आया था इधर दो ट्यूब हो गया। ट्यूब होके उसके बाद वो लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ये हो गया राइट ब्रोंकाई दिस ट्यूब एंड ए हो गया द राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड ए है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये अभी दो ट्यूब में डिवाइड हुआ। आफ्टर दैट फिर ये वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में ईच ट्यूब अगेन डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स, उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। उसके बाद अगेन सेकेंडरी ब्रोंकाई, ईच सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइडेड इनटू
three tubes that is called tertiary bronchi. इसे करके वो लास्ट में जो ट्यूब काफी सारे ट्यूब में कन्वर्ट होता है उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, उसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ब्रोंकियोल का साथ में हमारा एयर लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा गैस एक्चुअली एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज यहाँ ही होता है, एल्वियल में होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड ट्रकिया, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। तो हियर द क्वेश्चन वाज द लैरिंग्स फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई कहाँ प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम देख लिए। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। व्हेन यू ब्रीथ इन एयर यू ब्रिंग ऑक्सीजन, जब हम एयर लेते हैं हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं इनटू आवर लंग्स, लंग्स को ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, लेकिन क्या छोड़ते क्या है हमारा, क्या हम कौन सी एयर हमारा बॉडी से जो आज वेस्ट जो हमारा बॉडी को हार्मफुल है और नहीं चाहिए क्या हम छोड़ते हैं, वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो हियर द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन टू वाज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, ब्लो आउट करते हैं, तो डेफिनेटली द कार्बन डाइऑक्साइड। हियर द आंसर विल बी दिस वन, द कार्बन डाइऑक्साइड दिस वन। ओके ओके, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइनी एयर सैक इन द लंग्स, आज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड द एयर सैक इज दिस वन इज द एयर सैक, ये जो लंग्स का सबसे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर और टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जिसको वो एयर सैक जो जिसको बोलते हैं वो लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये आंसर इज दिस वन, द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन वी विल गो फॉर द लास्ट वन क्वेश्चन। द लंग्स इज द इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड लंग्स, कौन सी मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है और लंग्स का ऊपर में कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिससे फ्लूइड भी वही मेम्ब्रेन का बीच में जो कैविटी भी है उसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो लंग्स को कोलैप्स होने से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन हियर द ऑप्शन इज माइकार्डियम, नंबर टू इज पेरिकार्डियम, नंबर थ्री इज प्लूरल, नंबर फोर्थ इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो कैविटी जो है जो कवर है वो एब्डोमेन का है, इधर नहीं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है। तो माइकार्डियम, पेरिकार्डियम और प्लूरल, तो ये जो प्लूरल है दिस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हियर द लंग्स एंड द कवर इज, हियर द कवर लंग्स का ऊपर में जो कवर है उसको हम प्लूरल प्लूरल बोलते हैं, और इसका वो जो कैविटी क्रिएट करता है उसका अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।